सो कल मैंने आपको बताया था कि फॉल गाइज मोबाइल कितने परसेंट रेडी हुई है एंड क्या गेम की अनाउंसमेंट E3 इवेंट 2021 तक हो जाएगी। एंड मैंने E3 इवेंट वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ी ज्यादा रिसर्च की एंड रिसर्च करते करते मुझे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली जिससे मुझे फॉल गाइज मोबाइल की एग्जैक्ट रिलीज डेट पता चली। एंड ना तो आज मैं आपको कोई मंथ बताऊंगा कि गेम इस मंथ के बीच में आएगी एंड ना तो मैं आपको अगस्त 4 तक वेट करने बोलूंगा, बल्कि आज मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट बताऊंगा फॉल गाइज मोबाइल की अनाउंसमेंट की एंड रिलीज डेट की। यार इंसान तू ये क्या बोल रहा है, कल तो तूने बोला कि फॉल गाइज मोबाइल E3 इवेंट तक नहीं आ सकता, बट अब तू बोल रहा है कि फॉल गाइज मोबाइल E3 इवेंट तक आ जाएगा। तो देखो, जब फॉल गाइज निंटेंडो एंड एक्सबॉक्स में डिले किया गया था तो वो क्रॉस प्ले पे काम कर रहे थे एंड अब तो क्रॉस प्ले भी आ गया है। एंड E3 इवेंट 2019 को फॉल गाइज की अनाउंसमेंट हुई थी, मींस 11 जून 2019 को, एंड 4 अगस्त 2020 को गेम रिलीज हुई। मतलब एक साल पहले गेम की अनाउंसमेंट एंड एक साल बाद गेम रिलीज हुई। तो क्या इनसे तेरे कहने का मतलब ये है कि फॉल गाइज मोबाइल की अनाउंसमेंट E3 इवेंट में होगी एंड गेम 2022 में रिलीज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। E3 2019 में फॉल गाइज रेडी हुई है या नहीं वो भी नहीं पता था। एंड अभी तो हमें कितने ऐसे लीक्स देखने को मिल रहे हैं फॉल गाइज मोबाइल की। एंड जून 12 से जून 15 के बीच हमें फॉल गाइज मोबाइल की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, बट इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि E3 इवेंट को फॉल गाइज मोबाइल की अनाउंसमेंट शायद हो जाए। एंड फॉल गाइज अभी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि है 32-bit एंड 64-bit। सो 64-bit एक्चुअली फॉल गाइज क्रॉस प्ले प्लेटफॉर्म के लिए है, जो कि रिलीज हो चुका है, एंड 32-bit फॉल गाइज मोबाइल वर्जन के लिए है, एंड उसकी अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है। सो अगर जानना चाहते हो कि फॉल गाइज मोबाइल कितना परसेंट डेवलप हो चुका है तो ये वीडियो देखो।